यूजीसी नेट, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 18 जून को परीक्षा होती है और ठीक 24 घंटे बाद 19 जून को शिक्षा मंत्रालय फैसला लेता है कि हम गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं, सीबीआई जांच होगी और ये दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा में आपको बता दूं करीब 11 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 81% छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। देश के कई जिलों में ये परीक्षा कराई गई थी, यानी कि जिन 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, अपने सपनों को लेकर जो वहाँ पहुँचे थे, अच्छा एग्ज़ाम दिया, कुछ सपने सजो रखे होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, वो फिलहाल उन सपनों पर पानी फिर चुका है क्योंकि सिस्टम की लाचारी की वजह से, सिस्टम में सेंधमारी की वजह से। अब दूसरी खबर आपको मैं बता दूँ कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, आपको याद हो गया, उसमें भी पेपर लीक की खबरें आई थी, और अब परीक्षा कराने वाली गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया है, ऐसी खबर आई है। यूपी सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसका मालिक विनीत आर्य विदेश में है, यानी यहाँ से जा चुके हैं, उसे लगातार एसआईटी की तरफ से नोटिस भेजे गए लेकिन उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और आपको जानना ये ज़रूरी है कि अहमदाबाद के एक गोदाम में यूपी पुलिस का जो सिपाही की जो भर्ती थी उसकी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, ऐसी खबरें आई हैं। अब बात नीट की, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको लेकर पूरे देश में काफ़ी वक्त से विवाद है। 5 मई को ये परीक्षा होती है, 4 जून को रिजल्ट आता है, उसके बाद से ही पूरे देश में ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमाम गड़बड़ी की खबरें 5 मई के बाद परीक्षा होने के बाद सामने आई। लगातार दिल्ली से लेकर देश के तमाम जो राज्य हैं, देश के तमाम हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए, सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे थे, लगातार जो इस परीक्षा को कराने वाली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्लीन चिट दे रहे थे, अब उनके दोहरेपन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा जो मैंने आपको बताया उसे रद्द किया गया, वो भी एनटीए ने कराई थी, तो जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे।